गुड मॉर्निंग क्लास, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से आज आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी का आपका जो सेंसेशन और परसेप्शन चल रहा था, तो सेंसेशन और परसेप्शन में आज हमारा टॉपिक है परसेप्शन में परसेप्चुअल लॉस। ठीक है, तो परसेप्चुअल लॉ का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को एक संगठन के रूप में यानी कि ग्रुप या बहुत सारी चीज़ों को एक मान करके हम उसे परसीव करते हैं और पहचानते हैं तो वो हमारा परसेप्चुअल लॉ या प्रत्यक्षीकरण के नियम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसमें जो भी आपके एग्जांपल्स होंगे वो सब एग्जांपल आपने अपने डेली लाइफ में देखे हुए हैं, आपको केवल उन्हें याद करना होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सारे जो लॉज हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में और अपने आसपास हर चीज़ को नोटिस करते हो। ठीक है, तो जो हमारा परसेप्शन है वो किन किन फॉर्म में होता है आज वो हमें वो देखना है। तो पहला जब हम बात करते हैं आकृति एवं पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आकृति और पृष्ठभूमि यानी कि फिगर एंड ग्राउंड थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, फिगर एंड ग्राउंड थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम सामने वाले किसी चीज़ को देख करके उसको पहचानते हैं या उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वो या तो हमारे लिए आकृति होती है या फिर क्या होती है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ, तो फिगर एंड ग्राउंड मतलब फिगर मतलब या तो वो आकार होगा या आकृति होगी या फिर वो क्या होगा, हमारा ग्राउंड होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपके सामने ये पानी की बोतल रखी है, ठीक है, तो ये जो पानी की बोतल है ये आपके लिए क्या होगी, ये अभी आपके लिए क्या है, आकृति है। क्या है, आकृति। और जो ब्लैक बोर्ड की इमेज आप देख रहे हैं वो आपके लिए क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कहते हैं जैसे अपन लोग, है ना। और अगर अपन लोग बोतल को हटा दें तो अब आपके लिए फिगर क्या है, अब आपके लिए फिगर है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड आपका फिगर है और आपका जो दीवार है, ठीक है, जो दीवार है वो आपके लिए क्या है, वो है आपका ग्राउंड। ठीक है, तो वह बैकग्राउंड में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम कोई चीज़ सामने आपके रखते हैं वो फिगर होती है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, तो जब ये हाथ दिख रहा है आपको तो ये हमारे आपके लिए फिगर होगा, आपके लिए भी ये आकृति है। जब ये आकृति होगी तो पीछे जो जो कुछ दिख रहा है, चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो या दीवार हो, वो सब कुछ क्या होगा, आपके लिए बैकग्राउंड। ठीक है, या पृष्ठभूमि। लेकिन जैसे ही हम हाथ उठाते हैं तो आपके लिए ब्लैक बोर्ड हो जाता है फिगर है और दीवार हो जाती है ग्राउंड। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी चीज़, जो चीज़ उभर के आती है वो हमारे लिए फिगर होती है और जो चीज़ उसके पीछे छुपी होती है उसे हम ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ फिगर की अगर डेफिनेशन बोले, अगर आपसे कोई पूछे कि पृष्ठभूमि क्या, आकृति क्या होती है, तो आपका कहना सीधा सा ये है कि जो चीज़ें सामने जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसमें से जो उभर के आएगा, जो अलग दिखेगा, चाहे वो लाइट कलर का हो या डार्क कलर का हो या अलग सा दिखे, जो हमारे लिए, वो हमारे लिए आकृति कहलाती है। और उसके पीछे जो दिखता है, जो हमें उभर के नहीं दिखता है, उसे हम बैकग्राउंड में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे आप लोगों ने धूम 3 मूवी सभी ने देखी, धूम 2, ठीक है, उसमें जो ऋतिक रोशन होते हैं, जो चोर बने होते हैं उसमें, तो आपने उसमें एक सीन देखा होगा कि जब वो चोरी करने जाते हैं हीरा चुराने के लिए, ठीक है, एक म्यूजियम में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मूर्ति बनी रहती है, बहुत सारे लोगों की, है ना। उसमें अभिषेक बच्चन जो है वो पुलिस होते हैं और ऋतिक रोशन उसमें चोर होते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें ऋतिक रोशन जितने भी लोग वहाँ पे पुतले बने खड़े होते हैं, मतलब जो पुतले होते हैं रियल में पुतले होते हैं, उन्हीं के बीच में ऋतिक रोशन भी होते हैं, वो भी एक पुतले का रूप लिए रहते हैं। तो पुतला वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे जैसा बैकग्राउंड था उसने अपने आप को उस फिगर, अपने फिगर को उसी बैकग्राउंड से जोड़ लिया था, तो इसीलिए वो अलग से हाईलाइट नहीं हो रहे थे। लेकिन जब वो उससे बाहर निकल के आते हैं तब पता चलता है कि वो ग्राउंड का हिस्सा थे ही नहीं, वो तो फिगर थे, लेकिन वो ग्राउंड में इस कदर मैच कर रहे थे कि अपन लोगों को फिगर वो लग ही नहीं रहे थे, वो बैकग्राउंड ही लग रहे थे। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम, आप सभी लोगों ने जिसको अपन लोग गिरदोहला बोलते हैं उसको देखा होगा, है ना। तो वो जब पेड़ पे होता है तो जिस कलर के पेड़ पत्ते और फूल जैसे कुछ भी होता है वो अपना कलर वैसे ही कर लेता है। तो ये क्या था, वो अपने वहाँ पे कौन सी थ्योरी यूज़ करता है, वो करता है फिगर और ग्राउंड थ्योरी। ठीक है, आकृति और पृष्ठभूमि थ्योरी, वो अपना कलर बिल्कुल वैसे ही बना लेता। आजकल ऐसे इंस्टा पे बहुत सारा ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें लोग अपने आप को पूरा बैकग्राउंड से मैच कर लेते हैं और रहते वो फिगर हैं, लेकिन वो अपना पूरा कलर जो है वो बैकग्राउंड से मैच करने की वजह से जब वो खड़े हो जाते हैं बैकग्राउंड के साथ तो हम उन्हें नोटिस कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी का यूज़ ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिगर एंड ग्राउंड थ्योरी का। ठीक
ठीक है। और इसके बाद अगली बात करते हैं अपन लोग, जैसे मान लीजिए इसमें अपन लोग अगर बात करें फिगर एंड ग्राम थ्योरी का एक एग्जांपल, तो आप देखिए कि आपके सामने देखिए जैसे कि आपके सामने ये इमेज बनी हुई है, ठीक है। ये इमेज आप लोग खुद गौर से देखिए, इस इमेज को अगर आप गौर से पहले देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई देगा एक पॉट, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये आपको दिखेगा पॉट, ठीक है, बिल्कुल पॉट लग रहा है ना। लेकिन जब हम आपको बोलेंगे कि इसमें एक इमेज और है, आप ध्यान से देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तब आपको इसमें दो फेस नज़र आएंगे जो आमने सामने है, दिख रहा है ना। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो चित्र है ये इतना शार्प है, इतना सुंदर बनाया गया है, बिल्कुल एकदम इसमें इतनी ज़्यादा फिनिशिंग है कि ये कभी कभी ये आपका वाइट वाला पोर्शन फिगर लगता है तो कभी ब्लैक वाला पोर्शन फिगर लगता है। जब आपके लिए वाइट वाला पोर्शन फिगर लगेगा तो ब्लैक वाला बैकग्राउंड हो जाएगा, लेकिन जब आप ब्लैक वाले को अपन फिगर मानते हैं तो अपन के लिए वाइट वाला क्या हो जाता है, बैकग्राउंड हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ये आपका जो है ये रिवर्सिबल इमेज है, ठीक है, जो रेवेंस ने दी थी आपकी, ठीक है, रेवन ने दी थी, रिवर्सिबल फेस थ्योरी, इसका नाम है रिवर्सिबल फेस थ्योरी। ये रिवर्सिबल मतलब है कि अगर अपन दोनों तरीके से देखेंगे तो अपन को दो चीज़ें दिखेंगी इसमें, ये रिवर्स हो जाती है इमेज। अब इसके जस्ट बगल में एक इमेज है, उसे गौर से देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक फेस नज़र आ रहा है अपन को, है ना, ये साइड का पूरा एक फेस है, है ना। लेकिन जब हम आपसे बोलेंगे कि आप दोबारा गौर से देखिए, तो जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दो लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, आमने सामने, एक दूसरे की हैंड है उनके, है ना, लेग और हैंड आमने सामने है। तो आप देखिए यहाँ पे भी सेम है, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल फेस थ्योरी, ठीक है। इसमें दो इमेज इस कदर इतनी फिनिशिंग के साथ बनाई गई हैं कि वो दोनों आपको बिल्कुल एक जैसी ही लगती हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी है समीपता का नियम, ठीक है। समीपता का मतलब होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमें पास में नज़र आती है तो हम उसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ बिल्कुल जैसे मान लीजिए पास पास में अगर कोई चीज़ है तो उसकी समीपता के अनुसार उनको हम बिल्कुल एक जैसा मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसके बाद आगे एक लाइन ये, सिमिलैरिटी। दो चीज़ें देखने में इतनी एक जैसे सेम लगती हैं कि वो हमें मतलब जो एक जैसी सेम होने की वजह से चाहे उनकी अलग अलग जगह पे पोजीशन हो लेकिन वो हमें एक जैसी ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तीसरा है आपका, इन सब के एग्जांपल हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। फिर अगला है निरंतरता और दिशा का नियम। कोई चीज़ एक दिशा में इस तरह से जाती है, इतनी अच्छी कंटिन्यूटी उसमें होती है कि हम उसे बिल्कुल निरंतरता के अकॉर्डिंग एक ही मान लेते हैं, चाहे वो अलग अलग हो लेकिन हम उन्हें क्या मानते हैं, एक, ठीक है। नेक्स्ट है बंदी और पूर्ति का नियम, ठीक है। तो दो चीज़ें एक दूसरे के आसपास इतनी होती हैं कि हमें वो होती हैं अलग अलग है लेकिन वो हमें एक ही रूप में परसीव होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला है समावेशन, लॉ ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, समावेशन का नियम है। तो इंक्लूजन में क्या होता है, इंक्लूजन में दो फिगर को एक दूसरे के साथ इस इतने अच्छे से तालमेल करके डिज़ाइन किया जाता है कि हमें इमेज एक ही होती है लेकिन हमें दो अलग अलग इमेज एक ही इमेज के अंदर परसीव होती हैं, ठीक है। और अगला है इसमें विन्यास सम्मिकता का नियम, लॉ ऑफ साइमेट्री, ठीक है। तो साइमेट्री का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, सम्मिकता है, लॉ ऑफ साइमेट्री। कोई भी एक ऐसी डिज़ाइन एक दिशा में भले एक जैसी नहीं बनी होती है लेकिन एक मतलब उनका जो सम्मिलित यानी कि उनका जो साइमेट्री, उनकी जो डिज़ाइन होती है वो इतनी ज़्यादा एक जैसी लगती है कि हमें वो एक ही परसीव होती है। और लास्ट है विन्यास, लॉ ऑरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मतलब होता है दिशा,
एक तरीके से देखने वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दिशा की बात नहीं करेंगे, देखने की, मतलब अगर हमारी बात करें तो हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें खड़े में होती हैं, ठीक है, और हॉरिजेंटल फॉर्म में होती हैं, और जो जो चीज़ें लेटी हुई होती है वर्टिकल फॉर्म नहीं, वर्टिकल मतलब खड़े हुए में और हॉरिजेंटल मतलब लेटे हुए में, वो चीज़ें हमें ज़्यादा परसीव सही तरीके से होती हैं जो टेढ़ी होती हैं उनके बजाय, ठीक है, तो टेढ़ी चीज़ें हम जल्दी परसीव उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं बजाय सीधी और आड़ी चीज़ों के फॉर्म में, ठीक है, तो ये परसेप्शन हमारा होता है। इसके बाद हम आपको इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए ये वाला है आपका, ठीक है, फर्स्ट है आपका, पहला वाला हमने कौन सा बताया था आपका, समीपता का नियम, दूसरे नंबर पर जो समीपता का नियम, तो समीपता के नियम की अगर हम बात करें तो देखिए आप इसमें कि ये जो है ये दोनों, इन दोनों में दोनों ही आपका देखिए क्या बोलते हैं, इसमें आपका क्या बोलते हैं, इसमें इसके बीच में गैप कम है इसलिए हमें ये खड़े फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है, ठीक है, और इसमें नहीं, इसमें आपका ऐसे में गैप कम है इसलिए हमें ये कैसे फॉर्म में परसीव हो रही है, खड़े फॉर्म में, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाता यहाँ पे हम ऐसे ऐसे में होती तो इसके गैप कम होने की वजह से हमें ये कैसे परसीव होती, आड़े में परसीव होती, ये मैं सही नहीं डिफाइन करी है इसमें, ठीक है, तो अगर यही को उल्टा कर दें अपन लोग और अगर गैप इनके बीच में कम होता, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर यही डॉट ऐसे में होते, तो अब आप देखिए ये इनकी इनका गैप कम होने की वजह से ये हमें कैसे परसीव हो रहे हैं, आड़े में, लेकिन इनके बीच में गैप कम होने की वजह से ये कैसे दिख रहे हैं हमें, ये दिख रहे हैं खड़े में, ठीक है, तो ये होगा आपका आपका दूसरा समीपता वाला। अब तीसरा है एक समता और समानता, ठीक है, तो अब देखिए ये लाइन जो है ये बिल्कुल एक जैसी ही डिज़ाइन की गई है तो ये हमें बिल्कुल ऐसे में परसीव हो रही है, ठीक है, ये गोले एक जैसे हैं इसलिए हमें बिल्कुल ऐसे परसीव, हम इनको ऐसे परसीव तो नहीं कर रहे ना, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनके में समानता है, ये एक जैसी है, ये एक जैसे बने हुए, ये एक जैसे हैं, तो इनमें समानता होने की वजह से मैंने वर्टिकल फॉर्म में परसीव कर रहे हैं, हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं, ऐसे इसमें भी है, ये क्रॉस क्रॉस है इसलिए हमें क्रॉस क्रॉस एक जैसे दिख रहे हैं और गोले गोले एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपको अलग एक साथ हाईलाइट हो रहे होंगे और ये अलग हाईलाइट हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ऐसे इसका ये दोनों एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं आपको और क्रॉस वाले एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो समानता है वो एक जैसी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं तीसरे नंबर पर निरंतरता है, ठीक है, तो निरंतरता देखिए यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है ये इतने अच्छे से एक दूसरे के देखिए इनमें गैप तो है, देखिए बहुत गैप है, लेकिन ये एक दिशा इतने अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं कि हमें ये भले ही एक दूसरे जुड़े हुए नहीं है लेकिन हमें ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक पूरा एक राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना आपको, ठीक है, तो इसमें ये ऐसे हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका, जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे हेडफोन है, दो हेडफोन को आप एक साथ एक जगह पे रख दीजिए, ठीक है, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रखी हैं कि आपको थोड़ा दूर से बिल्कुल ऐसे परसीव होंगी कि दोनों हेडफोन एक ही हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उनके बीच में कंटिन्यूटी अच्छी है, हालांकि दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी इतनी अच्छी है कि आप बिल्कुल उनको एक ही दिशा में परसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है चौथा, ये है, ठीक है, क्लोजर, क्या है आपका चौथा है आपका निरंतरता, हाँ, तो निरंतरता यही है आपका, हाँ सॉरी बंदी का नियम, हाँ पूर्ति और बंदी का नियम, ठीक है, तो जो आपका फोर्थ है, तो पूर्ति और बंदी मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें इनमें भले ही गैप है लेकिन ये एक दूसरे के ऐसे एक आकार क्रिएट कर रही हैं, ये जुड़े हुए नहीं हैं तब भी एक आकार को ये क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, ये आपका हो गया फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ आता है, तो फिफ्थ को अपन कहाँ देखेंगे, यहाँ, तो इसमें देखिए इसमें ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स आपके पूरे एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन इसमें कुछ डार्क डॉट हैं, तो डार्क डॉट आपको कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे फील हो रहे हैं कि डार्क अलग हाईलाइट हो रहा है, लाइट अलग हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, तो ये सामान्य गति है, मतलब इनकी गति जो है वो सामान्य दिशा की ओर जा रही है, अपन लोग ऐसे देख सकते हैं उनको ऐसे ऐसे, ठीक, हाँ। इसके बाद अगला है आपका छठवें नंबर पे है ये, ठीक है, समावेशन, हमने आपको बताया था कि दो फिगर इतने अच्छे से एक फिगर के साथ बनाए गए हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक फिगर के अंदर ही दूसरा फिगर समाया हुआ है, समावेशन का मतलब होता है समाना, ठीक है। उसके बाद है सातवां सम्मितता, ठीक है,
तो सममितता में देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन देखिए इतने अच्छे से बनाई गई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये नीचे से ऊपर जा रही है, और ये लग रहा है ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, इसमें व्हाइट वाले पोर्शन को फिगर बना लिया अपन ने, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डिज़ाइन क्रिएट, अगर ब्लैक को देखेंगे तो ब्लैक अलग लग रही है, व्हाइट को देखेंगे तो व्हाइट, ऐसे इसमें लग रहा है, ऐसे इसमें लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है आपका क्या बोलते हैं, विन्यास का नियम, ठीक है। तो विन्यास मीन्स होता है ओरिएंटेशन। तो देखिए हमने आपको बताया था ना कि जो चीज़ें हॉरिजेंटल फॉर्म में होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ ऐसे है तो आपको जल्दी परसीव होगी, और अगर आड़े में है तो जल्दी परसीव होगी, लेकिन बात करेंगे अगर हम टेढ़े में हैं, ठीक है, जैसे ऐसी है ऐसी है, तो इसको परसीव करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ठीक, थैंक यू।